नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम। ये बताऊँ, दो तीन वाकयात बड़े अहम हो रहे हैं और दो तीन वाकयात बड़े अहम, बहुत अहम दूरस नतायज इनके मुरतब होंगे। एक तो यह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने मुंतखब तमाम रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया था, 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था मकबूजा कश्मीर के, और उसमें 4 वज़राए आला थे, गालिबन महबूबा मुफ्ती साहिबा थीं, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह और उसका कोई इलामिया भी जारी नहीं हुआ और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्जी कहते रहे आई बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पर हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं नहीं अलग अलग बात सब की, मतलब सब ने एक होता है ना कि कोई मुश्तरक बात आगे चले तो वो मुश्तरक बात नहीं हो सकी। कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थी, कुछ पार्टियाँ थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिए, जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया सा आ जाएगा। वो अलामिया सा सामने नहीं आया और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पर कुछ लोगों से जो मीडिया के लोग थे जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पर, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले, किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पर इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम ने, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहां से हंगामी तौर पे आए थे अदीत देवल साहब, दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस और ये इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुज़ाकरात का ख़त्म होना, डेडलॉक हो जाना और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के एक उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर, तो लेकिन चूंकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्होंने वो साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी ना किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा, रहेगा क्या, होगा क्या, वो चूं चूं मुरब्बा बन के वो एक ख़त्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर, तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि थोड़ी देर पहले सद अशरफ गनी जो हैं वो वाशिंगटन पहुंच गए और कल उनकी जो है वो तफसीली मुलाकात अब होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो मेरे लिए कुछ हैरानकुन तो नहीं है, लेकिन आप यूँ समझें कि
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं इन डॉक्टर शाहिद मशरूत को डॉक्टर घोंचू के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि ये मतलब एक ऐसे प्राणी हैं जो बात कुछ और करते हैं और सडनली इनको याद आता कि अरे ये भी डिस्कस करना, वो भी डिस्कस करना, ये भी डिस्कस करना, और सब पूरा मिलाकर कचरा कर देते हैं। तो आज डॉक्टर शाहिद मशरूत ने इतने बड़े टॉपिक पर केवल और केवल 2 मिनट का रिएक्शन दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ये काफ़ी सैड है। और ये आपको बता दूं कि ये भारत में होने वाले कोरोना केसेस पर भी 3-3, 4-4 मिनट का डिस्कशन रोज़ करते थे। जब रोज़ मतलब भारत में, आपको याद होगा, पर डे 3,000 लोग मर रहे थे भारत में, लद्दाख में जो चीन और भारत के बीच टेंशन हुई थी उसको लेकर ये रोज़ 3-3, 4-4 मिनट डिस्कस करते थे। और भारत में बीजेपी जो इलेक्शन हारी थी बंगाल में, उसको लेकर इन्होंने 10-15 मिनट डिस्कशन कर दिया था। इन छोटे छोटे टॉपिक को लेकर इन्होंने इतना डिस्कस किया। और ये कश्मीर, इनका तो ये वो जिन्ना का क्या है, वो फलाना ढिकाना कश्मीर इनका क्या है, जो ये सब पागल हैं, इनके पूरे बच्चे, इन्होंने सबको एक ही बात रटाई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इस टॉपिक पर इन्होंने इतना कम डिस्कशन किया, इससे समझ में आ रहा है कि अब ये लोग क्लियर हो चुके हैं कि कुछ होने वाला है नहीं, और ये ढीले पड़ चुके हैं। तो डॉक्टर शाहिद मशरूत ने इस एज़ यूजुअल इस जो सर्वदलीय बैठक हुई है इसको तो फुस बताना था, और ये फुस ठुस और धरसम धुस, पता नहीं कौन कौन से वोकेबलरी से ये वर्ड निकालते हैं। आपने भी बचपन में ये वर्ड यूज़ किए होंगे आधा पाधा खेलते समय, तो ये वही वाले वर्ड निकालते हैं डॉक्टर घोंचू। तो डॉक्टर घोंचू के साथ साथ मैंने अभी, आपने देखा, मैंने अब्दुल बासित का भी वीडियो अपलोड किया, उनका भी मूड क्लियर था कि काम हो चुका है। मोदी ये गुपकार गैंग के साथ डिस्कस कर रहा था कि आगे इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी। परिसीमन के बारे में डिस्कशन हो रहा, परिसीमन मैं आपको बता दूं, परिसीमन मतलब जो जनसंख्या बढ़ती है उसके हिसाब से जो विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, उसको कहते हैं परिसीमन। तो बेसिकली चर्चा इस बात को लेकर थी। और आपको भी पता है कि माहौल बना था, महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिए थे ये बैठक के पहले, तो माहौल बना था कि आर्टिकल 370 पर बात होगी, तो वो तो सब हवा निकल गई उसकी। इस डॉक्टर साहब को ये बोलना चाहिए था, उसकी हवा निकल गई, वो हो गया फुस। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर घोचू ने कल परसों, मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बोल रहे थे कि ये मीटिंग अमेरिका के द्वारा अरेंज कराई जा रही है। अमेरिका के कहने पर अफरा तफरी में भारत ये मीटिंग कर रहा है, कश्मीर पर कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है, इस तरीके का डॉक्टर घोचू 2-3 दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे, और इससे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे। आज तो इन्होंने बिल्कुल मतलब इनकी जैसे हवा निकली हुई, इन्होंने कुछ डिस्कशन नहीं किया। पता नहीं अफगानिस्तान एकदम से पहुँच गए, अशरफ गनी ये वो फलाना ठिकाना। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर साहब का शो तो होता है लोकल बेस्ड पर इनकी बातें होती हैं कोरिया, चीन, भारत, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन्हीं चीज़ों पर। इनका लोकल जो न्यूज़ रहती है उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होता। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं आप तक, जिसके कारण वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।